सो एक डिविजन एक्सेप्ट डेट्स एंड प्रीवियस वाली वीडियो में बहुत सारे लोग हेट दे रहे थे एंड जो गॉडल की वो भी है उनकी चैट पर जाके लिख रहे थे कि भैया विजन नेक्स्ट डिसरिस्पेक्ट गॉडल और मैं गॉडल हेटर हूँ। बेसिकली मैंने कहा गया था कि भैया गॉडल जैसी टीम्स को अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स के बेसिस पर इन्वाइट नहीं मिल सकता है। मैंने कहीं गॉडल को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया भाई, मैंने बस थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ कही है। लाइक अभी गॉडल का ई स्पोर्ट्स का 1.0 जीती थी, बट वो जो टूर्नामेंट था वो इनवाइट ओनली टूर्नामेंट था बेसिकली, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सो वो इनवाइट ओनली में अंडरडॉग्स को चांस नहीं मिला, सो अंडरडॉग्स के लिए फेयर हो गया। सो बीजेएम ऑफिशियल्स को क्या करना था कि एक फेयर वे निकालना था जिससे कोई भी टीम को मौका मिल जाए भैया पीएमजीसी का इनवाइट लेने का। सो इसलिए उन्होंने अभी जो था ये अभी पीएमजीसी इनवाइट के लिए बीजेएस जो विनर होगा उसी को इनवाइट मिलेगा, उसी टीम को इनवाइट मिलेगा ये जो पीएमजीसी का है। सो ये सब सीन अभी हो चुका है एंड इस चीज पर अभी बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया है, लाइक स्काउट हो गए, जोनाथन हो गए, घातक भाई हो गए एंड और भी चंद्र लोगों ने रिएक्ट किया है। वो उनके रिएक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज को लेकर, जो कि भैया फ्री गेम को लेकर के, एंड इस बार भैया इतनी बढ़िया गेम आई है मिस्टीरियस गेम में। सो एपिक गेम्स वाले वैम्पायर जो गेम है वो फ्री में बांट रहे हैं एंड मैं आपको बता दूं इस गेम का प्राइस है 1700 रुपीज। सो ये गेम आपको अभी एपिक गेम्स पर फ्री देखने को मिलने वाली है एंड इसके जो डेवलपर है वो भैया डॉन्ट नॉट एंटरटेनमेंट वही मतलब डेवलपर है जिन्होंने मतलब लाइफ इज स्ट्रेंज जैसी एपिक गेम्स बना रखी है। सो 1700 की फ्री गेम है, लेनी हो तो ले लेना। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज को लेकर, जो कि यार हाइड्रा डेंजर को लेकर के। सो हाइड्रा डेंजर ने भाई ये जो हाइड्रा ड्रॉप क्लैश वाला मैटर था उस पर अपना रिप्लाई दिया था एंड मतलब जो वीएलटी के साथ ड्रॉप क्लैश है उस पर रिप्लाई दिया था एंड आप सभी को पता होगा अभी मतलब ओवेज वगैरह की टीम के साथ भी इन लोगों का ड्रॉप क्लैश हुआ था। सो इन दोनों बातों पर उन्होंने रिप्लाई दिया था बट ओवेज का कहीं नाम नहीं लिया था। सो हाइड्रा डेंजर ने क्या कहा वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। वीएलटी से ड्रॉप क्लैश क्यों करते हो तुम लोग? वीएलटी से ड्रॉप क्लैश क्यों भाई? उनको जिसका मर्जी जिधर उतारना है उतरे। आ रहे हैं, हाइड्रा को फेम चाहिए इसलिए उतर रहे हम लोग का ना नंबर्स नहीं है, हमको बढ़ा नहीं है नंबर्स इसलिए हम लोग उतर रहे भाई ना, समझे? कनिका राजपूत हैप्पी फेम के लिए, हम लोग सब फेम के लिए ना गन फाइट ले रहे हैं। अभी मैं भी ना एक्स वाला की जगह पे उतरूंगा कर फेम के लिए। हाइड्रा को फेम चाहिए तभी ड्रॉप क्लैश कर रहे हैं। फेम के लिए, हम लोग सब फेम के लिए ना गन फाइट ले रहे हैं। अंडा बात करते हैं नेक्स्ट चीज को लेकर, जो कि यारी भैया जोनाथन को लेकर के। तो जोनाथन ने अब थ्रस्ट में एनिग्मा सैगी को बैन कर दिया था एंड इस चीज़ को लेकर के थोड़े थोड़े लोग चैट में ये चीज़ लिख रहे थे, थोड़े थोड़े मैं ये नहीं कहूँगा मेजोरिटी में, बट थोड़े थोड़े लोग ये चीज़ लिख रहे थे कि भैया एंड जॉन एंड ये चीज़ लिख रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मतलब जोनाथन में कि किसी को भी बैन फिस्ट करते रहते हैं। सो ये सब चीज़ थी एंड मतलब वो लिख लिया, आप अपनी पहले स्क्रीन पर देख लो फिर आगे का मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा सा जोनाथन को मतलब ट्रोल टाइप से किया जा रहा था ये वाली चैट में, बट मैं आपको बता दूं बेसिकली जोनाथन सबको बैन करते हैं यार, चाहे डेस्ट्रो हो, चाहे अभी हमारे सैगी भाई हो, चाहे अल्ट्रॉन को मतलब जोनाथन ने फिस्ट किया था और भी बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पर बैन या फिस्ट करते रहते हैं एंड बेसिकली वो मजे के रूप में करते हैं या किस रूप में करते हैं आई डोंट नो, बट वो हेटफुल वे में नहीं करते भाई। कभी कभी क्या होता है जैसे किसी दो टीम्स की राइवलरी चल रही है तो वो एक दूसरे को फिस्ट या बैन करते हैं एज अ वे ऑफ हेट, बट जोनाथन ऐसा कभी नहीं करते हैं। जोनाथन मतलब मस्ती मजाक में ही बैन वगैरह कर रहे होते हैं, सो भाई कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। एनिग्मा सैगी ने भी इस चीज़ के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, नहीं तो कुछ कुछ इमेच्योर लोग होते हैं वो स्टोरी वगैरह डाल देते हैं। सो यही सीन है भाई, दोनों साइड से पार्टी अगर मतलब सॉर्टेड है सो आप यार हेट वगैरह मत दो किसी को भी। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर, जो कि यार ये डायनामो को लेकर के। सो डायनामो ने भाई ये हाइड्रा नगेट वाले मैटर पर थोड़ा सा रिप्लाई दिया था, ये जो हैकिंग वाला मैटर था कि भैया हाइड्रा का प्लेयर हैक कर रहा है, हैक करके मतलब बीजीएस जैसे टूर्नामेंट्स खेल रहा है। सो ये जो जितना भी मैटर था उसमें मतलब डायनामो ने रिएक्ट किया था एंड जो हाइड्रा एम्परर है उन्होंने भी रिएक्ट किया था। सो वो वाला क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सारे नगेट को हैकर बोल रहे हैं बच्चे मरने के बाद, अरे तो हम भी जिनको मारते हैं वो वीडियो नहीं बनाते क्या? हैकर हैकर है। क्या डायनामो आप बताओ, स्मोक में एडजस्ट किया तो बच्चों ने वीडियो नहीं बनाई थी क्या भाई? वो टाइम का गलत ही था यार। तो ऐसे ही बनाते लोग वीडियो, लेने दो उनको व्यूज। पाइथन एक बार भोंक के दिखा प्लीज। नहीं अरे
बहुत गलत बारी नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर कर चुकी है स्काउट को लेकर के। तो देखो भाई यार स्काउट ने ना उर्वेश को अनफॉलो वगैरह कर दिया है। अभी मेरे को ये न्यूज़ बताई है प्रतीक भाई ने अभी अभी जस्ट 10-20 मिनट पहले। और अभी क्या टाइम हो रहा है भाई, अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं भाई, बैंड बजी पड़ी है, कब जाएगी वीडियो ये। सो हाँ भाई स्काउट ने उर्वेश को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको यार स्क्रीन शॉट्स वगैरह दिखा दूंगा। एंड इसके बाद जो उर्वेश है उनके मतलब जो बायो में लिखा होता था ना कि भाई गोल्डी भाई मेंटोर एंड स्काउट का नाम भी शायद से होता ही था, वो भी हटा हुआ है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके बाद शायद से स्काउट ने स्टोरी भी डाला है एंड उन्होंने ये चीज़ लिखी अनदर लाइफ लेसन लर्नड। तो क्या लाइफ लेसन लर्नड है कि भैया लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से हो सकता है बट आई एम नॉट क्लियर ब्रो। पहले भी उर्वेश और स्काउट का अनफॉलो का मैटर हुआ था, बाद में सॉर्ट आउट हो गया था एंड अभी पता नहीं ये कैसा मैटर है कैसा नहीं है। बट हाँ जी हमारा काम है न्यूज़ रिपोर्ट करना एंड हमने कर दिया है कि स्काउट एंड उर्वेश ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर कर जो कि आ रही भैया अल्ट्रॉन मावी स्काउट को लेकर के। सो आप सभी को पता होगा मावी अभी TX की तरफ से नहीं खेल रहे हैं, शायद से आज आ गए हो बट मेरे को पता नहीं क्योंकि आज मैं स्क्रीम्स वगैरह देख नहीं रहा, कुछ भी देख नहीं रहा मैं क्योंकि भैया मेरे एग्जाम्स हैं भाई, जान ले लो भाई एक बच्चे की तुम। सो यही सब सीन है। बट बेसिकली आप सभी को पता होगा मावी जो है वो नहीं खेल रहे हैं ये जो टीम है उनकी उनके साथ। एंड अभी स्काउट और मावी का मैटर चला था, इस चीज़ पर मतलब गोल्डी भाई ने रिप्लाई दिया था कि भैया इन लोगों का झगड़ा टाइप से हो गया था। तो अल्ट्रॉन को उनकी लाइव चैट में ये चीज़ बोली जाती है कि जो मावी और स्काउट का जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से मावी नहीं खेल रहा ना, यही चीज है ना। तो इस चीज पर मतलब अल्ट्रॉन ने अपना डायरेक्ट टाइप से रिप्लाई दिया था। तो अल्ट्रॉन ने क्या कहा वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। स्काउट और मावी ब्रो का कोई अरे कोई झगड़ा नहीं हुआ भाई, वहां कसम मेरे को हंसी आ रही है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, चिल करो भाई, मां कसम तुम लोग बहुत डरते हो, चिल करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मावी बाजी को बस फैमिली कुछ टाइम था जो देने का जरूरी इंपॉर्टेंट था, बस तभी बिजी है, वो आ जाएंगे, वो देना बहुत जरूरी है वरना वो भी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा ऐसे सेम DMs वगैरह मावी को भी आ रहे होंगे कि भैया स्काउट और आपका फाइट इसलिए नहीं खेल रहे हो एंड अभी थोड़ा सा शायद से TX परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी आ सकते हैं कि भैया देखो भाई अभी TX तुम्हारी टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही तुम कब आओगे, ऐसा शायद से DMs वगैरह में हेट मिल रहा होगा बेसिकली। सो इसलिए उन्होंने स्टोरी डाला एंड ये चीज़ लिखी कि एवरीवन आई होप आप सबको मालूम होगा मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, तो मैं किसी इमरजेंसी की वजह से इनएक्टिव हूँ यूट्यूब और मैचेस में, जनवरी से आई विल बी फुल एक्टिव। तो मावी ने यही कहा था। सो ये जो कुछ कुछ लोग ट्रोल करते हैं ना मावी को DMs वगैरह में, वो कृपया ना करें क्योंकि भैया मावी कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, वो जल्दी वापस वगैरह आ जाएंगे। एंड यस एंड मावी मतलब BGIS में भी खेलने वाले हैं क्योंकि जो क्लाउनी है उन्होंने स्टोरी डाला था कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एंड वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताया था कि वो प्लेइंग फोर में नहीं है एंड प्लेइंग फोर कोई और है, इसलिए वो ज़्यादा टीम के साथ नहीं खेल रहे। सो यही कहा था क्लाउनी ने एंड अभी मावी BGIS भी खेलने वाले हैं। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के जो कि आ रही भैया मायावी एंड मैक्स कैश के मैटर को लेकर के। सो अभी कास्टर्स के अगेंस्ट में ज़्यादा मैटर्स निकल रहे हैं, लाइक अभी पंक और सेंसी का निकला था, उसके बाद अभी मैक्स कैश भी आ चुके हैं। सो एक भाई ने यहाँ पे स्टोरी वगैरह डाली हुई थी एंड उनका मैं नाम ब्लर कर दूंगा बेसिकली क्योंकि भाई किसी का भी ऐसा नाम डालूंगा नहीं मैं, उनको हेट वगैरह मिलती है एंड बेसिकली मैंने उन भाई से बात करी थी। सो वो अपना नाम नहीं दिखाना चाहते इसलिए मैं नाम ब्लर टाइप सा कर दूंगा। सो उस स्टोरी में उन्होंने मतलब मायावी को टैग करते हुए लिखा था कि भैया हाउ कैन यू डू दिस, मतलब मैक्स काश ने इतना अच्छा 1v4 वगैरह किया था एंड मैक्स काश को भी टैग किया हुआ था स्टोरी में एंड मायावी को भी टैग किया हुआ था। तो मैक्स काश ने ये जो स्टोरी थी वो रीपोस्ट कर दी थी एंड ये चीज़ बोला था दो इट वॉज अ 1v4 एंड इट वॉज अ गुड 1v4। मैक्स काश ने बस इतना ही रिएक्ट किया था, मैक्स काश ने मायावी वाली चीज़ पर रिएक्ट नहीं किया था एंड बेसिकली मायावी ने रिएक्ट नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। उस चीज़ पर मतलब मायावी कल रात को अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे एंड अनफॉर्चुनेटली यार मैं मतलब नहीं रिकॉर्ड कर पाया था वो वाली चीज़ को। तो मायावी ने क्या कहा मैं अभी को बता देता हूँ अभी। सो बेसिकली मायावी ने यही चीज़ बोला कि एट द टाइम इनसेन गॉडलाइक का फाइट चल रहा था, यानी दो टीम्स हो गई है एंड उसके बाद टीम फॉरएवर का फाइट चल रहा था विद एंटिटी एंड ये दो टीम्स और हो गई एंड सेल्सियस और एक और टीम का फाइट चल रहा था लाइक ओरैंगुटेन, तो 6 टीम्स का एट ए सेम टाइम फाइट चल रहा था एंड उसके बाद मैक्स काश ने इतनी रेज 1v4 कर दिया। बट स्टिल मतलब मायावी ने मैक्स काश को मेंशन किया था किल फीड में कि भैया इस मैक्स काश ने इसको नॉक कर दिया, मैक्स काश ने उसको नॉक कर दिया, मायावी मेंशन वगैरह कर रहे थे एंड बेसिकली यही था कि ये इतना फास्ट हुआ कि मायावी इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ था एंड इसके बाद मैक्स काश ने अपना POV डाला, उसके बाद मतलब लोगों ने मायावी को टैग करा, ये स्टोरीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो एंड इसके बाद हेट मिला एंड यही था मायावी का रिप्लाई। एंड अब बात कर लेते हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर जो कि है कोई भी नहीं। सो आज की वीडियो के लिए यार इतना ही, धन्यवाद आपका देखने के लिए एंड अगर वीडियो अगर आपको आपको अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट एंड साइनिंग आउट।
हाँ।